एफकैट सेकेंड 2023, उसकी डे वन और डे टू की दोनों ही शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है एंड फाइनली बस एक ही दिन बचा हुआ है, आखिरी दिन बचा हुआ है। सो आज इस वीडियो में दोबारा से मैं आपको डे टू की जितनी भी क्वेश्चंस थी जीके की, उनकी आपको डिटेल क्वेश्चंस एंड उनकी सॉल्यूशंस बताऊंगा। आपको मैं कंप्लीट ब्रेकअप भी देना चाहूंगा कि कितने क्वेश्चंस कौन से सेक्शन से आए, इंग्लिश से, रीजनिंग से, जीके से एंड देन आपकी मैथ से। अगर हम लोग डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो एफकैट ने एक नया आविष्कार किया है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस का। तो दोस्तों जनरली हम लोग जो है सिर्फ सीडीएस में देखते थे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस का, है ना। तो अभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन एफकैट एज वेल, बट सारे क्वेश्चंस वैसे नहीं थे, तो कुछ क्वेश्चंस में ही आपको वो चीज देखने को मिलेगा। तो यू शुड ट्राई टू प्रिपेयर वेल फॉर द डे थ्री एज वेल। सो डे थ्री में जितने भी लोग देने जा रहे हैं, मेरे तरफ से अ वेरी ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। क्वेश्चंस को देख के जाओ, उनकी सॉल्यूशंस रट के जाओ एंड साइड वाइज आप कुछ भी वैसा क्वेश्चन अगर बनता है मैं वो भी आपको यहाँ पे बताते जाऊंगा, उनकी प्रिपरेशन करके जाइएगा। जहां तक शेड्यूल की बात है, 27th August इज द लास्ट डे ऑफ एफकैट एग्जाम। फर्स्ट शिफ्ट आपकी वही 10 बजे से शुरू होगा एंड 8 बजे आपको जो है रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 8 बजे से रिपोर्टिंग है, 8 to 9:45 आपकी वेरिफिकेशन, एडमिट कार्ड प्रूफ, ये सारा चीज चेक किया जाएगा एंड रीडिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडिडेट्स 9:45 to 10 AM तक होगा। दिस फॉर द फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट के कोरिस्पॉन्डिंग टाइम्स यहाँ पे है। एग्जाम टाइमिंग आपका वही 3 PM से 5 PM होगा। अब आपकी जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम देने वाले हैं उन सब के लिए ये सेशन तो बहुत मतलब वैल्यूएबल है ही। जो सेकंड शिफ्ट में जाने वाले हैं उन लोग के लिए मेरा ये निवेदन है कि आप लोग के लिए हम 12 बजे दोबारा से कल लाइव हो जाएंगे इसी चैनल में। आपको फर्स्ट शिफ्ट में आने वाले क्वेश्चंस कौन कौन से बने वो भी बताएंगे, तो आप लोग हमारे इस चैनल में जुड़े रहिएगा। अब चलिए क्वेश्चंस की ब्रेकअप देखते हैं। दिस इज अबाउट एफकैट सेकंड 26th August शिफ्ट 2 में क्वेश्चंस कैसे आए थे। सो जनरल स्टडीज से 25 क्वेश्चन आए, इंग्लिश से 30 क्वेश्चन आए, मैथ से 20 क्वेश्चन आए एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आए। सो दिस वॉज द एंटायर 100 क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड एंड आप देख सकते हो कि सडनली इंग्लिश हैज बीन ऑलवेज आस्क्ड एंड 30 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश के देखने को मिले। अब गौरव सर आपको इंग्लिश एंड रेलिवेंट फैकल्टीज जो भी रेस्पेक्टिव फैकल्टीज है सब्जेक्ट्स के, वो आपको उन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस के और आंसर्स की डिस्कशन करेंगे। मेरा जनरल स्टडीज का सब्जेक्ट है, सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड फ्रॉम जनरल स्टडीज। हु वॉन द फीफा अंडर 20 2023 वर्ल्ड कप। सो फीफा के बारे में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। आप यूएफा के बारे में भी पढ़ के जाइएगा, यूएफा चैंपियंस लीग किसने जीता वो भी आप चेक करके जाइएगा। उसके बाद हु इज नोन एज द जंबो इन द इंडियन एयरफोर्स। तो इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स इन आर्म फोर्सेस, खासतौर पे इंडियन एयरफोर्स के इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स को आप देख के जाइएगा कि इंडियन एयरफोर्स में से किसने परमवीर चक्र जीता है या सम्मानित है वो, या फिर कौन से फाइव स्टार जनरल है क्या इंडियन एयरफोर्स का। सो ऑल दोस काइंड ऑफ यू नो क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड टू सच ऑफिसर्स। उसके बाद आप शेफाली वर्मा, तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज इन न्यूज, आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि मैग्नस कार्सन को भी इंडियन एक चेस प्लेयर ने हराया है। उनका नाम क्या है आप देख के जाइएगा, तमिलनाडु का है वो, बहुत ही यंग एक लड़का है, 18 इयर्स ओल्ड है एंड उन्होंने जो है अभी फाइनल में हालांकि वो हार चुके हैं बट देन ही हैज क्वालिफाइड फॉर द चैंपियनशिप्स अहेड। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से भी बनता है। उसके बाद व्हाट इज द थीम ऑफ यूनेस्को's इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। तो थीम्स एंड डेट्स अगेन always was important and is important. उसके बाद Minsk is the capital of which country? तो capitals and currencies, countries and their capitals. उसके ऊपर मेरी खुद की lecture पड़ी हुई है, वो check करके जाना है. Who was the viceroy of India during 1857? कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर ये 1857 नहीं आया है, 1859 आया है. That is the Indigo Rebellion. तो उसके संदर्भ में भी आपका answer same ही रहेगा, ठीक है? Lord Charles Canning. Okay. उसके बाद what is the theme of Earth Day 2023? Again themes का क्वेश्चन है। नेक्स्ट विच इज द रीसेंट एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर आपको कौन सा मिलेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट नेवल शिप्स के बारे में पूछा जा सकता है। हाल ही में हमने वियतनाम को भी एक गिफ्ट दिया था, तो उसका क्या नाम है वो देखिएगा, ठीक है। वी आर सेलिंग लॉट ऑफ कॉर्वेट्स एंड फ्रिगेट्स डिफेंस एक्सपोर्ट्स में। आपने पता है इंडिया ने रिकॉर्ड हाई नंबर्स रिकॉर्ड किया है, 16,000 crores ऑलमोस्ट was the defense export of last financial year. So those kind of things can be a very important question. Polity ka question aaya ki which of these are not a constitutional body. To CAG, Finance Commission, NCSC and CBI were the options. So CBI would be the answer because CBI jo hai
और दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत एस्टैब्लिश होता है, इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, बाकी आपके एनसीएससी दैट इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, फाइनेंस कमीशन अगेन अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नेक्स्ट, पाम लीफ म्यूजियम कहाँ पे है, ये शशांक सर की क्लास से आया है, ठीक है, केरला वुड बी द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोबल गैस, तो आपको अगेन यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस में से नोबल गैसेस आप देख सकते हो, दिए गए ऑप्शंस में से नाइट्रोजन होगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप सारे नोबल गैसेस को देख सकते हो, ठीक है, हेलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन एंड रेडन। तो जनरली नोबल गैसेस किसको बोलते हैं, जो बहुत ही इनर्ट गैसेस होता है, रिएक्ट नहीं करता है, राइट, तो उसकी आप यहाँ पे चीज देख सकते हो। नेक्स्ट इज ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो इज रिलेटेड टू व्हाट, तो आपको ये चीज मैंने जो है उड़ान बैच में पढ़ाया था, एफकैट की उड़ान बैच में आपको सारे इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस, मिलिट्री ऑपरेशंस की एक हिस्ट्री पढ़ाई थी, उसमें से ये क्वेश्चन आया है। एनएसजी कमांडोज वर डिप्लॉयड नरीमन हाइट्स, ठीक है, ओबेरॉय होटल, ताजमहल होटल, तो इन सब की अटैक के बारे में क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट इज व्हिच एयरक्राफ्ट कैरियर इज डिप्लॉयड बाय द इंडियन एयर फोर्स, मिग 9K, Boeing P8I, Neptune and Dornier 228, Ilyushin second 38, तो आपका आंसर यहाँ पे MiG-29K आएगा। Rest are all patrol aircrafts, ठीक है, तो यहाँ पे fighter aircraft जो है सिर्फ MiG-29K है, ठीक है। Next is where are the important headquarters, इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर आपको पढ़ के जाना है, what is the headquarters of International Civil Aviation Organization, तो Montreal City of Quebec Province, Canada would be the answer out here, fine, तो इस चीज को आप जरूर से याद रखिएगा। अच्छा, next particular question, consider the following statements about MI-17 helicopters, so helos के बारे में देखिए, मैंने बताया था आपको, statement based question आ गया है, ठीक है, तो ये बहुत ही एक तरीके से एग्जाम को टफ करने वाली चीज हो जाती है, तो आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स हालांकि सही दिया गया था अबाउट द MI-17 हेलीकॉप्टर्स, बट दिस डेफिनेटली हिंट्स टुवर्ड्स अ टफर एफकैट इन द टाइम्स टू कम, सो अगर 2024 के लिए एफकैट दोगे आप लोग तो बी प्रिपेयर्ड फॉर सच क्वेश्चंस एज वेल, एंड वी आर ऑल्सो ब्रिंगिंग लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स अलॉन्ग विद द एफकैट 50 कूपन कोड दैट यू कैन एक्सेस नाउ, गो एंड बाय द कोर्स फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल विलेज इज इन भिवंडी तालुका, दैट इज इन थाने महाराष्ट्र, अगेन अ करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन। पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन कब लिया गया था, लाहौर सेशन प्रेसाइडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, द यंग जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, तो ये चीज हमेशा से आपको बताया जाता था, एंड आपको मैं जैसे बता ही रहा था कि आने वाले समय में टफ एग्जाम्स हो सकता है, दीज वेर द क्वेश्चंस एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जैसे अब पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन अगर पूछ लिया तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो पहली सेशन है वो कब हुआ था, ठीक है, कहाँ पे हुआ था, जिसमें उमेश चंद्र चैटर्जी ने उसको प्रेसाइड किया था, या फिर विच सेशन वॉज द ओनली सेशन जहाँ महात्मा गांधी जी ने जो है प्रेसाइड किया था, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो थे एनी बेसेंट, तो वो कौन से सेशन में प्रेसाइड किए थे, तो सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेबल है, आप पढ़ के जाइएगा, एंड एक्सपेक्टेड है कि आपकी एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप 2024 के लिए अब से तैयारी करना चाह रहे हो, आपकी एग्जाम बिल्कुल ही अच्छी नहीं गई, तो आप अगर तैयारी करना चाहते हो तो दिस इज द राइट टाइम, यू शुड स्टार्ट अर्ली सो दैट यू कैन लैंड देयर अर्ली, ठीक है, एंड व्हाट बेटर वे टू टच द स्काई विद ग्लोरी टू प्रिपेयर एंड टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन अलॉन्ग विद सच such a discounted price that we are offering our courses in. आप देख सकते हो 12 महीने की subscription 14,000 से बदले आप 7,000 में खरीद सकते हो by applying the FCAT 50 code. So visit our website bijusexamprep.com and apply this code, start your preparation right now. So far as date tree is concerned, people who are going to appear for the exam tomorrow, a very very all the best from our entire team. I just hope that you pass the test with flying colors and कम आउट एज अ ऑफिसर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। आप जितने भी लोग एग्जाम को दे चुके हो, डे वन डे टू में थोड़ा सा रेस्ट जरूर करिए एक हफ्ता, बट आगे एक बहुत बड़ी हर्डल है जिसके लिए हम बहुत सारे इनिशिएटिव्स लाएंगे, दैट इज द एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड, AFSB की तैयारी आपको करनी है, एंड हम लोग साथ में इसकी तैयारी आगे बढ़ाएंगे। विद दैट आई वुड लाइक टू टेल यू देयर इज लॉट कमिंग इन दिस चैनल, तो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू, जय हिंद।